हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सब? बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स टू ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना सेकंड यूनिट है ऑप्टिक्स, उसके टॉपिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझाया था, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी बेटा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे तो डेरिवेशन आपको जानना नहीं है, फॉर्मूला आप सबको पता है, r बराबर 2f या f इज इक्वल टू r बाई 2, बट बिना डेरिवेशन का फील तो आएगा नहीं, मज़ा तो आएगा नहीं। तो थोड़ा फील करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन, जिसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। हेडिंग लगा लो आप, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो समझिए। कंसिडर करो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट है इसको हम पोल बोलते हैं, ये पॉइंट आपका हो गया फोकस और ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा हम आपको समझाए थे कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करता है। तो लाइट की एक प्रॉपर्टी हम ये यहाँ पे उठा लेते हैं। कंसिडर करो आप कि एक रे ऑफ लाइट ऐसा गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस किया। दूसरा एक रे ऑफ लाइट अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट क्रॉस करता है वो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करता है। कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, ठीक है ना। तो दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। तो सेकंड अपना रे ऑफ लाइट गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो इसी पाथ पे वो लौट भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर में कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो लाइन नॉर्मल होगा, कंफर्म बात है। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉर्मल होता है यहाँ सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो येलो वाला लाइन हम ड्रॉ किए हैं ये स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ नेमिंग कर देते हैं। कंसिडर करो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी इंसिडेंट रे है और बी सी तो नहीं मान सकते, बी डी मान लेते हैं। बी डी आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और सी बी नॉर्मल है। तो ये जब नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपका सेम होगा। मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर इस एंगल को हम x मानते हैं तो ये एंगल भी हमारा x होगा। ऐसा बोलेंगे कि सिंस CB क्या है बच्चा मेरा, नॉर्मल है। तो जब CB नॉर्मल है तो एंगल I बराबर एंगल R, मीन्स एंगल ABC बराबर एंगल CBF
जब ए बी सी को हम x माने हैं तो सी बी एफ भी हमारा क्या होगा, x होगा, ठीक है। मीन्स ये दोनों एंगल हम लोग किसके बराबर माने हैं, x के बराबर, लेट x, ठीक है। अब ना एक और बात आप समझो कि बच्चा मेरा किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल सेम होता है तो उसके सामने वाले साइड भी सेम होते हैं, ये बात तो कंफर्म है। यहां पे देखो ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और सी बी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स सिंस ए बी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सी पी, ए बी इज पैरेलल टू सी पी, एंड कौन सा लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सी बी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सी बी इंटरसेक्ट, सी बी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बन रहा है, ए बी सी और बी सी एफ, कौन कौन एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ का है भाई, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है ये, ठीक है। मतलब ये एंगल भी अब अपना कितना हो गया, x हो गया, ये एंगल भी हो गया x, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बी सी एफ बराबर x, ये एंगल बी सी एफ भी किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। अच्छा, इसके बाद बच्चा तुमको पता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कंफर्म पता होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम अपोज एक्सटीरियर एंगल बराबर इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पे देखो बी एफ पी, बी एफ पी एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन है, ये वाला x और ये वाला x। मीन्स अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो हम थीटा बराबर x प्लस x मतलब 2x लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आगे बात समझो, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस ट्रायंगल का बात हो रहा है बी सी एफ का, ये भी लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल बी सी एफ, इस ट्रायंगल में बच्चा एंगल बी एफ पी, एंगल बी एफ पी बराबर किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ प्लस एंगल बी एफ, एंगल बी सी एफ प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल सी बी एफ। तो इस एंगल को देखो आप, बी एफ पी को हम थीटा माने हैं, तो देयरफॉर थीटा बराबर एक्स प्लस एक्स, देयरफॉर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब अपनी बातचीत इसी इक्वेशन से आगे बढ़ेगी, ठीक है, इसको आप राइट करो फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हो गया बच्चा लोग, चल आगे समझते हैं बेटा। स्पेस चाहिए तो कुछ कुछ चीजें क्लियर कर लेता हूं, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे। तो आगे का कॉन्सेप्ट समझो, इक्वेशन वन से अपने को बातचीत करनी है, अब इक्वेशन वन से ही अब आगे बातचीत होगी। इक्वेशन वन को एक बार प्यार से देख लो, इक्वेशन वन बोलता है थीटा इज इक्वल टू टू एक्स, इक्वेशन वन हमारा क्या बोल रहा है, थीटा इज इक्वल टू टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन, एकदम बेबी केयर दे रहा हूं, प्यार से समझो, फ्रॉम इक्वेशन वन।
इक्वेशन वन है थीटा इज इक्वल टू 2x, ऐसा करते हैं दोनों साइड हम टेन अप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और कि हम बच्चा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, डैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर। कौन सा प्यारा सा एक कलर चूज करता हूँ मैं। यहाँ देखो B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, कंसिडर करो M पॉइंट पे, ठीक है ना, M पॉइंट पे। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन वन में दोनों साइड टेन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग टेंजेंट बोथ साइड, टेन मतलब टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग टेन अप्लाई करते हैं। अबे क्या क्या आ रहा है, अप्लाइंग टेंजेंट बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा टेन थीटा बराबर टू इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा टेन थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, बी एम, बेस कौन बन रहा है, एफ एम, तो देयरफॉर बी एम बाई एफ एम इज इक्वल टू टू इंटू टेन एक्स। इस एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू बोलो, परपेंडिकुलर बी एम बाई बेस सी एम, परपेंडिकुलर हो गया आपका बी एम डिवाइडेड बाई बेस हो गया आपका सी एम। अच्छा मेरा बच्चा यहाँ पे एक ना ऑप्टिक्स का चोचलाबाजी है, समझ में आया। वैसा तो लिटिल सा तो डिफरेंस होगा ही, बट प्रूफ करने के लिए ना यहाँ पे ऑप्टिक्स का एक चोचलाबाजी है, तो उसको समझिए। ऐसा बुक्स में भी लिखता है और अपनी मजबूरी भी है। ये है ये कि अपर्चर बेटा बहुत स्मॉल है, सिंस अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है ना। अपर्चर छोटा होने की वजह से ये जो पॉइंट M है आपका, दिस इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, ये जो पॉइंट M है दिस इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, तो आप FM को FP बोल सकते हो। अपर्चर स्मॉल है उसके कारण हम FM को क्या बोलेंगे, PF या FP बोल सकते हो, आप PF बोल सकते हो, ठीक है। CM को हम क्या बोलेंगे भाई, सी एम को हम बोलेंगे, बोलो सी एम, एम लगभग एकदम से पी पे है, तो सी एम बराबर सीपी, सी एम बराबर सीपी। इन दोनों का हम ऊपर वाले इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो देयरफॉर बी एम डिवाइडेड बाई एफ एम की जगह पे बोल अब क्या लिखें, पी एफ लिखेंगे, पी एफ इज इक्वल टू टू इंटू बी एम डिवाइडेड बाई सी एम की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा मेरा, सी पी लिखेंगे। अब देख बेटा दोनों साइड से जो उड़ता है उड़ा दो, उड़ रहा है यहाँ पे बी एम, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे फाइनली, तो यहाँ पे फाइनली बचा बेटा वन बाई पी एफ, वन बाई पी एफ इज इक्वल टू टू बाई सी पी, 1 by PF is equal to 2 by CP, काम हो गया अपना, फील आ रहा होगा, काम हो गया ना, बोल रहे हाँ हो गया। PF क्या है बोलो, PF है focal length और CP क्या है, R है, यहाँ से हम लिख सकते हैं CP is equal to 2PF, therefore CP is equal to 2PF एंड सी पी है हमारा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर टू इंटू फोकल लेंथ, यहां से आप बोल सकते हैं फोकल लेंथ एफ बराबर आर बाई टू, दिस इज पवित्र रिश्ता बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चा बाटी, राइट करो इसको, फिर हम आपको मिरर इक्वेशन समझाते हैं। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन के बारे में। मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला रिलेशन होता है फोकल लेंथ रेडियस, फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में,
फॉर एनी स्फेरिकल मिरर. तो हेडिंग लगा लिया जाए मिरर फॉर्मूला. चाहे देखो मिरर तुम कॉनकेव लो कॉन्वेक्स लो, डेरिवेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ज्यादा क्या, बस फिगर चेंज होता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और प्रूफ तो आई होप नो डेरिवेशन लिखता है सिलेबस में, बट फिल करने के लिए आपको डेराइव करके समझना पड़ेगा मिरर इक्वेशन. उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे साइन कॉन्वेंशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो स्टेप समझिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है. हेडिंग लगा लो मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो सबको पता होगा लगभग, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u. इसी फॉर्मूले को हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, जहां पे f आपका फोकल लेंथ है, v आपका इमेज डिस्टेंस है एंड u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. तो डेफिनेशन खेलना है अगर, तो आप सिंपली मिरर फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं. The relation between focal length, image distance and object distance of an spherical mirror is called mirror formula. किसी भी spherical mirror के लिए focal length, image distance और object distance के बीच में जो relation होता है, that relation is called mirror formula. ठीक है, relation is called mirror formula. तो definition आप लोग write कर लिए होंगे. अब इसका डेरिवेशन हम आपको समझाते हैं. डेरिवेशन समझिए मन से. कंसीडर करिए कि ये कोई स्फेरिकल मिरर है. दिस इज अ स्फेरिकल मिरर. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया पोल, ये है फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है बेटा, एक हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम आपको समझाए हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं जो कि बियॉन्ड सी है, सी के परे या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. तो बच्चे यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए भाई, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे देता हूँ, प्यारा सा चिंटू विंटू कुछ दे देता हूँ, ए बी. अब इसका इमेज बनाना है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि अपने को कम से कम दो रे ऑफ लाइट चाहिए. तो पहला रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए. बच्चा मेरा ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से क्रॉस करने वाला है? तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस करने वाला है. रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से क्रॉस करा. दूसरा रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट लेके गए. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए तो ये हमारा उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा, मतलब जिस रास्ते पे था उसी रास्ते पे लौट जाएगा. ये ऐसा इंसिडेंट भी हुआ, रिफ्लेक्ट भी हो गया. अब यहाँ पे देखो, अब जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ, ये हमारा इमेज. इमेज का नाम हम दे देते हैं ए डैस बी डैस. ठीक है ना, इमेज का नाम है ए डैस बी डैस. चलो कुछ कुछ ट्रायंगल मैं तुमको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ. यहां से समझो, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मैं दिखाऊंगा बेटा. दो ट्रायंगल में हम लोगों को सिमिलरिटी समझनी है. इन ट्रायंगल ए बी सी देख लो आप, ए बी सी, और एक ट्रायंगल देख लो ए डैश बी डैश सी डैश. ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी. ये दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो बच्चा मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर, इमेज भी परपेंडिकुलर है और ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर है, तो 90-90 एंगल बन रहा है. मतलब कहीं ना कहीं दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है. जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो उन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं. तो ये जो दोनों ट्रायंगल हुआ, ये कैसा ट्रायंगल हो गया बच्चा मेरा? ये दोनों हो गया आपका सिमिलर ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये सिमिलरिटी का साइन दे दिए हम, ठीक है। अब जब ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, साइड्स का रेशियो बराबर करो तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश बराबर, यहां पे देखो ये वाला साइड से अपने को मतलब है अभी, ठीक है ना, बी सी, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी, इसको बच्चा हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसी तरह से एक और प्यारा सा ट्रायंगल मैं आपको दिखाऊंगा, वो ट्रायंगल आप देखो ध्यान से। ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट ए था हमारा, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एम, ठीक है। इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, कंसिडर करिए ये पॉइंट है हमारा एन, ठीक है ना। अब देखो यहां पे ट्रायंगल समझो, एक एक ट्रायंगल एम एन एफ और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल एम एन एफ, ट्रायंगल ट्रायंगल एम एन एफ और एक ट्रायंगल आप देखो ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए कि सामने सामने का एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये 90 ये भी 90, तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियस बराबर, तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल सेम है, मतलब ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एम एन डिवाइडेड बाई एम एन डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर एम एन डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, इस डिस्टेंस से अपने को मतलब है, एफ एन, एफ एन डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, एफ एन डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, ठीक है। अब यहां पे देखो जब ये लाइन ए एम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, मतलब आप लिख सकते हो ए बी बराबर एम एन, तो सिंस एम एन बराबर ए बी। और एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, वही वाला ऑप्टिक्स का चौचलाबाजी वाला जो बात किए थे हम, एन पॉइंट पी के बहुत क्लोज है, मतलब सिंस अपर्चर इज स्मॉल, भाई अपर्चर इज स्मॉल, अब अपर्चर स्मॉल होने की वजह से पी एन बराबर पी एफ लिखेंगे, ठीक है ना, तो एफ एन बराबर हम क्या लिख देंगे बोलो, एफ एन बराबर पी एफ, एफ एन और पी एफ ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब इन सब का इस्तेमाल और बी डैश एफ, ये सब अच्छे से समझना धीमे धीमे करके, इन सब का इस्तेमाल हम ऊपर करें इस इक्वेशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ ए बी, एम एन की जगह पे ए बी डिवाइडेड बाई नीचे है आपका ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन की जगह पे हम लिख दिए पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, बी डैश एफ, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब बच्चा मेरा दोनों इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, दोनों का एल एच एस बिल्कुल सेम है, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, जब दो इक्वेशन का एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा, दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर किए तो अपने को पता चला बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी बराबर पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, ठीक है। यहां से अब बात आगे बढ़ेगी, साइन कॉन्वेंशन की मदद से हम यहां पे फिर इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे, जल्दी से आप इसको राइट करो।
चलो बेटा आगे का खेला समझो। इस इक्वेशन से अब बातचीत अपने को आगे बढ़ाना है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम प्रॉपर साइन कॉन्वेंशन का इस्तेमाल करके, प्रॉपर साइन कॉन्वेंशन का इस्तेमाल करके हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे। धीमे धीमे करके समझते जाओ। फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेते हैं। और इक्वेशन 3 से ही अब आगे बातचीत होगी। इक्वेशन 3 को आप ध्यान से देखो, क्या बोलता है इक्वेशन 3? इक्वेशन 3 बोलता है BC डिवाइडेड बाई B'C। फिगर पे आ जा, फोकस फिगर पे देखो ध्यान से। BC बच्चा मेरा, ये जो BC है इसको हम BP माइनस CP लिख सकते हैं, कंफर्म बात है। तो जहां पे BC लिखा हुआ है उसको हम लिख रहे हैं, लिख दो यार ऊपर फ्रॉम इक्वेशन 1, नॉट 1 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में BC की जगह पे ये है छोटका सा डिस्टेंस BC। पूरा देखो BP में से हम CP को माइनस कर रहे हैं, तो BC बराबर BP माइनस CP डिवाइडेड बाई B'C। B'C को ऐसा सोचो CP, यहां देखो C से P तक, माइनस B'P। पक्का यही B'C चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए। तो पूरा C से P तक गए, फिर B' से P जाके माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा CP माइनस B'P। CP माइनस B'P इक्वल टू आ जाए इधर, PF को ऐसे ही छोड़ दो, वेल डिफाइंड चीज है ये PF डिवाइडेड बाई B'F। बच्चा मेरा B'F को क्या लिखोगे? B'P माइनस PF, B'P माइनस PF। कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सबका वैल्यू पुट करते हैं यूजिंग प्रॉपर साइन कॉन्वेंशन, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहीं पे पूरा खेला है, यही खेला समझना है, यहीं पे पूरा खेला है बेटा। बीपी क्या है देख ध्यान से, बी पे बच्चा मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। साइन कॉन्वेंशन का कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको तो माइंड में रखना पड़ेगा, सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से नापते हैं, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापा गया डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापा गया डिस्टेंस निगेटिव होता है, ठीक है ना? तो यहां पे देखो आप पी से जा रहे हो बी की तरफ, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बीपी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस यू माइनस CP। पी से सी की तरफ जा रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहे हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पूरा, तो ये अगेन माइनस आर हो गया, होल डिवाइडेड बाय फिर से CP। पी से जाना है सी पे, फिर से ये माइनस आर माइनस B'P। B' पे इमेज बन रहा है, इमेज डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस वी, ठीक है, इज इक्वल टू PF। पी से एफ की तरफ जा रहे हो, एफ पे फोकल लेंथ है, PF मतलब माइनस एफ डिवाइडेड बाई B'P। अभी समझाया हूं, B' में इमेज बन रहा है, पी से B' पे जाना है, माइनस वी माइनस PF वंस अगेन बच्चा मेरा F, ठीक है। अब तुमको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R बराबर 2F होता है, ठीक है ना? वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर माइनस यू और माइनस माइनस प्लस आर मतलब 2F, होल डिवाइडेड बाय माइनस आर मतलब 2F, माइनस माइनस प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस वी माइनस एफ, ठीक है। अब बच्चा ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देयरफॉर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस यू प्लस 2F इंटू माइनस वी माइनस एफ बराबर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, माइनस एफ इंटू
माइनस टू एफ प्लस वी, ओके। अब मल्टीप्लाई करो सबको, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया बोल, माइनस यू माइनस वी, तो यू वी, यू से इसमें करो माइनस माइनस प्लस यू एफ, इससे इसमें करो माइनस टू वी एफ प्लस माइनस माइनस टू एफ स्क्वायर बराबर। ये ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस, प्लस हो जाएगा टू एफ स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस यू एफ, ठीक है। एक बार साइन कॉन्वेंशन को बढ़िया से चेक कर लो आप, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ बीपी की जगह पे बीपी माइनस यू सही है, सीपी सी से पी ये माइनस था, माइनस आर सही है, सीपी की जगह पे माइनस आर, उसके बाद बीडेस पी, बीडेस पी की जगह पे माइनस के बाद माइनस वी, ओके, बीडेस पी माइनस वी माइनस, ओए होए यहाँ देखो बेटा मिस्टेक है, माइनस के बाद पीएफ को क्या लिखना था, पीएफ को लिखना था माइनस एफ ना, डिवाइडेड बाय माइनस एफ, मतलब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा, एक बार और मल्टीप्लिकेशन चेक करो, प्लस यू एफ माइनस यू एफ, यहाँ पे ये टर्म आपका होगा माइनस यू एफ प्लस माइनस 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 यू एफ, उसके बाद प्लस माइनस माइनस टू वी एफ प्लस प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब ना दोनों साइड को बहुत प्यार से देखो, जो टर्म उड़ता है उड़ा दो, टू एफ स्क्वायर बच्चा एकदम प्यार से उड़ रहा है, उड़ा देते हैं। ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे ना माइनस टू वी एफ है और यहाँ वी एफ है, वी एफ वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो देयर फोर यू वी माइनस यू एफ बराबर, ये देखो माइनस वी एफ और ये जाके प्लस होगा, तो ये बच जाएगा क्या, सिर्फ प्लस वी एफ, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ, यू वी एफ से हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं, करो आप, यू वी डिवाइडेड बाई यू वी एफ माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ बराबर वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ, जितने सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करो, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, V से V, F से F, therefore फाइनली बचा क्या, बच्चा मेरा फाइनली बचा देखो 1 by F माइनस 1 by F माइनस 1 by V बराबर 1 by U, तो therefore आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये उधर जाके ऐड होगा ना। ये जो इक्वेशन निकला ना बेटा, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये जो इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इस डेरिवेशन में एक बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, वन मिस्टेक गेम ओवर, क्या माइंड में रखना पड़ेगा, वन मिस्टेक गेम ओवर। कहीं पे भी साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी चूक हुई, देखे थे ना एक माइनस छूट गया था जिसकी वजह से अपने को बाद में प्रॉब्लम आने लगा था, ऊपर से रीचेक जब हम किए तो दोबारा अपना सिस्टम सही हुआ, डेरिवेशन सही हुआ। माइंड में यही बात रखना है, वन मिस्टेक गेम ओवर। तो अभी ये टॉपिक आपका ओवर हो गया, साइन कन्वेंशन भी हम आपको लगभग शॉर्टकट में समझा दिए। साइन कन्वेंशन में माइंड में क्या क्या रखना है एक बार सुन लो, सारा डिस्टेंस लिख भी सकते हो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारा का सारा डिस्टेंस पोल से नापा जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापा गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापा गया डिस्टेंस निगेटिव होगा, ठीक है।
तीन इंपॉर्टेंट बात आपको इस डेरिवेशन में, साइन कॉन्वेंशन में अच्छे से माइंड में रखना है। चलो वीडियो में हम आज जितना टारगेट किए थे उतना आपको समझाया, हमने आपको समझाया रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बराबर 2f एंड मिरर इक्वेशन। अब बेटा मिरर से जो अपने सिलेबस में रिलेटेड टॉपिक्स था वो सारा क्लियर हो गया है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स कराएंगे और अगले लेक्चर में हम लोग लेंस की बेसिक बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेफ एट होम, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।